अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं स्मार्ट जोन। कैसे हैं सर? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड्रॉयड 12 के बारे में और उनके फीचर्स के बारे में। एंड्रॉयड 12 की अभी कोई ऑफिशियल तौर पर खबर सामने नहीं आई है, लेकिन एंड्रॉयड का जब भी कोई प्रीव्यू डेवलपर सामने आता है तो गूगल अपने पार्टनर्स को एक ड्राफ्ट शो करता है, जिस ड्राफ्ट के जरिए हमें एंड्रॉयड की तमाम तर हाईलाइट्स बताई जाती हैं। तो वो जो ड्राफ्ट है वो लीक आउट हो चुका है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें कौन से फीचर्स होने वाले हैं और गूगल इस दफा कौन से फीचर्स हमें प्रोवाइड करेगा। इस दफा जो है एंड्रॉयड 12 में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगी, जिससे आप एंड्रॉयड 11 में और एंड्रॉयड 12 में आसानी से डिफरेंस कर सकेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, चलिए मजीद फीचर्स इस डिस्कस करते हैं। इसमें भी और जो पहला फीचर होगा वो एंड्रॉयड 12 की जो सारी थीम्स होगी उसमें होगा। इससे पहले एंड्रॉयड के अंदर जो वाइट कलर है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब भी आप डार्क मोड को ऑन करते हैं तो जो कलर होता है वो वाइट हो जाता है या ब्लैक हो जाता है, लेकिन इस बार जो एंड्रॉयड 12 में वाइट की जगह बेज कलर होगा, इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक लाइट ब्राउन किस्म का कलर होगा। इसके अलावा ओवरऑल जो थीमिंग होगी इसको मुकम्मल तौर पर अपडेट किया जाएगा। अगला जो फीचर है जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा वो है कन्वर्सेशन का फीचर, जहां पर आप एंड्रॉयड 12 के अंदर जो विजेट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पावर दी जा रही है और कन्वर्सेशन के नाम से एक अलग विजेट होगा। आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन होगी इस विजेट के अंदर जा रही होगी। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आपकी जितनी भी व्हाट्सएप और फेसबुक की कन्वर्सेशन जो है वो इस विजेट्स के अंदर आ जाए तो आपके पास इसकी सहूलत होगी। अदर साइड पे आप ये चाहते हैं कि एक बंदा जो आपका व्हाट्सएप पर भी फ्रेंड हो और फेसबुक पर भी फ्रेंड हो, जिसका नंबर नॉर्मल भी आपके मोबाइल में सेव हो, उसकी सारी कन्वर्सेशन भी इसमें आ जाए, तब भी आप इसको एक विजेट में देख सकेंगे। इससे आप सारी कन्वर्सेशन का ट्रैक रिकॉर्ड आसानी से रख सकेंगे। तो विवर, अगला जो फीचर है वो एंड्रॉयड 12 के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये एक ऐसा फीचर है जो 2021 में ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट बनने वाली है। ये है प्राइवेसी फीचर, जिसके अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन, अगर आपका कैमरा, आपका माइक्रोफोन या आपकी लोकेशन को यूज़ करेगी तो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई एप्लीकेशन आपका कैमरा ओपन करके बैठी हुई है या आपका माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रही है। ये काफ़ी कमाल का फीचर होगा, जिससे आपकी प्राइवेसी मुकम्मल तौर पर सिक्योर रहेगी और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला जो फीचर है वो है स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट का। अभी तक जो आप अपने मोबाइल में नॉर्मल तौर पर स्क्रीनशॉट लेते हैं, मतलब जो आपको चीज़ें सामने स्क्रीन पर नज़र आती हैं उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, अब आप किसी वेब पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या चीज़ों का लंबा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या कोई पिक है जो आपकी स्क्रीन पर फुल नज़र नहीं आ रही, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट इस्तेमाल होता है, जो कि हवावे भी प्रोवाइड करता है, सैमसंग के अंदर भी है और ओप्पो के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी मौजूद है। और अब से ये फीचर्स एंड्रॉयड 12 में बिल्ट इन हो जाएगा और किसी भी कंपनी के मोबाइल फ़ोन में आप इसको देख सकेंगे। लास्ट में जो फीचर है जो कि कुछ वेंडर्स प्रोवाइड करते हैं और कुछ एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर मौजूद नहीं होता, वो है रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क मोड्स का फीचर। आईफोन के अंदर बहुत पहले से ये फीचर मौजूद है, जहाँ पर आप ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि कुछ ख़ास एप्लीकेशन को ही इंटरनेट मिले, बाकी एप्लीकेशन जो है इंटरनेट का यूज़ ना कर सकें। ये इस टाइम ही हेल्पफुल रहता है जहां आप अपना इंटरनेट बचाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका व्हाट्सएप का पैकेज है और आप नहीं चाहते कि गूगल क्रोम भी आपका इंटरनेट कंज्यूम करे, यूट्यूब भी कंज्यूम करे और बाकी एप्लीकेशन भी कंज्यूम करें, तो आप सारी एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे सवाए व्हाट्सएप के। इससे आपका इंटरनेट सिर्फ व्हाट्सएप पर ही कंज्यूम होगा।